हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर ब्रजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के बिस्विन पे। दोस्तों, 31 मार्च है, एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूं। इस वीडियो में भी हम लोग 10 जीके क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट थी आप लोग से, यदि आप लोग को आज PI कॉल आता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में नीचे इन्फॉर्म कीजिए, लिखिए, क्योंकि बहुत साथी हमारे इंतज़ार कर रहे हैं कॉल का, उन्हें तसल्ली होगी कि कॉल आज भी आ रहा है। यदि आप लोग में से किसी को भी कॉल आता है तो जरूर से नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ आजकल जीके क्वेश्चन में, जो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर्ड्स वेयर इंस्क्राइब्ड ऑन द फर्स्ट पोस्टल स्टाम्प इशूड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में जारी किए गए पहले डाक टिकट पे कौन सा शब्द अंकित थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन TBP पे आया था, इसमें जय हिंद, वहाँ क्वेश्चन आया था कि कितने पैसे का है ये जो लिखा हुआ है ना, कितने पैसे का, ये क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे हम मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ था, कौन सा वर्ड, तो जय हिंद लिखा हुआ था दोस्तों, जय हिंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक द फर्स्ट स्टैम्प ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इशूड ऑन 21 नवंबर 1947। ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सबसे पहला जो स्टैम्प था 21 नवंबर 1947 को इशू हुआ था दोस्तों, उस पर जय हिंद लिखा हुआ था। और ये 3.5 आना का था, ये 3.5 जो आप दिख रहे हैं ना, ये आना होता था पहले, 4 आना का 25 पैसे 4 आना के बराबर होता था, तो ये 3.5 आना था, 3.5 अनाज। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट। उस आदमी का नाम बताइए जिसने सभी 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। तो ये एक बिजनेसमैन है दोस्तों, नाम है इनका रिचर्ड बास। इन्होंने 7 महाद्वीपों के जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ चढ़ाई की है, और इनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। अबाउट 350 माउंटेनियर्स हैव क्लाइम्ब्ड ऑल 7 समिट। करीब 350 लोगों ने चढ़ाई की हुई है 7 समिट पे। द हाईएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट, द फर्स्ट वॉज डिक बॉस एंड अमेरिकन बिजनेस मैन ऑन 1985 की बात है, 30 अप्रैल 1985 को डिक बॉस जो एक अमेरिकन बिजनेस मैन, उन्होंने चढ़ा था। और मैंने नीचे इंफॉर्मेशन के लिए 7 जो समिट्स हैं ना, 7 कॉन्टिनेंट में जो ऊँची ऊँची सबसे ऊँची जो माउंटेन है उसका नाम दिया हुआ, जैसे नॉर्थ अमेरिका में डेनाली, साउथ अमेरिका अकोनकागुआ, यूरोप में एल्ब्रस, एशिया में एवरेस्ट, अफ्रीका में किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया में कोशिको, अंटार्कटिका में विंसन। ये 7 जगह का ही 7 जो टॉप मोस्ट माउंटेन है उसका नाम भी दिया हुआ है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा कहाँ पे कौन सबसे ऊंची पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, नेम द अवार्ड विच वॉज डिजाइंड बाई ईवा सावित्री बाई खानोलकर। उस पुरस्कार का नाम बताइए जिसे ईवा सावित्री बाई खानोलकर ने डिजाइन किया था। तो दोस्तों, आप ईवा सावित्री बाई के बारे में पढ़िएगा, इन्होंने परमवीर चक्र का डिजाइन इन्होंने किया था। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, ये अवार्ड ज़्यादातर मरणोपरांत दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है, जीवित व्यक्ति को भी मिलता है। ये सम्मान सैनिकों के असाधारण वीरता, सूरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। पहली बार 3 नवंबर 1947 को भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। और सोमनाथ शर्मा अनफॉर्चुनेटली जो समझिए इनके रिलेटिव भी थे, ये आप इनके बारे में सारा डिटेल्स मैंने सारा बस शॉर्ट में लिया है, इसको आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इस इंफॉर्मेशन को जरूर से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये भी उन्हीं का इंफॉर्मेशन है, 3 स्लाइड है, तीनों को आप इसको रोक रोक के पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देता हूँ इस पर कि आपको रखने में आसानी हो। ये पहला स्लाइड ये है जन्म और विवाह, दूसरा स्लाइड ये है विवाह के बाद, और तीसरा स्लाइड है पदक का निर्माण। तो ये तीनों स्लाइड आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम वाज पोर्ट ब्लेयर ओरिजिनली नोन। पोर्ट ब्लेयर को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता था।
तो पोर्ट ब्लेयर को मूल रूप से पोर्ट कॉर्नवालिस के नाम से जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। ये ऐतिहासिक नगर दक्षिण अंडमान द्वीप पे स्थित है। एडमिरल विलियम कॉर्नवालिस के नाम से पोर्ट कॉर्नवालिस का नाम दिया गया था। उन लोगों के बारे में जानना बहुत दिलचस्प था जिनके नाम यहाँ ब्रिटिश राज के नाम पे रखे गए। आर्चीबाल्ड ब्लेयर, जिनके नाम पे पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉम्बे मरीन में एक सर्वेक्षक थे, सर्वेयर थे वो। इस द्वीप को पहले पोर्ट कॉर्नवालिस का नाम दिया गया था उससे पहले, बाद में ब्लेयर पोर्ट। हालांकि ब्लेयर के इन द्वीपों के सर्वेक्षण को ब्लेयर हार्बर्स के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वोमेन टू प्रोड्यूस अ हिंदी फिल्म इन विच सी ऑल्सो एक्टेड। हिंदी फिल्म का निर्माण करने वाली पहली महिला कौन थी जिन्होंने उस फिल्म में अभिनय भी किया था, एक्टिंग भी की थी, तो फातिमा बेगम थी। 1892 से 1983 इनका लाइफ टाइम है। 1892 इनका जन्म हुआ था, 1983 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये एक अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा लेखिका भी थी। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की पहली महिला फिल्म निर्देशक माना जाता है। 4 साल के भीतर उन्होंने कई फिल्मों का लेखक, निर्माण और निर्देशन किया था। द फर्स्ट फीमेल फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, फातिमा बेगम। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑब्स्टेकल्स आर देयर इन द 3000 मीटर स्टीपल चेस एथलेट इवेंट। 3000 मीटर स्टीपल चेस एथलेटिक इवेंट में कितनी बाधाएं होती है दोस्तों? ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था इसलिए ले लिया। 35 होते हैं। और स्टीपल चेस इवेंट कंसिस्ट ऑफ 28 फिक्स्ड बैरियर एंड 7 वाटर जंप। 28 तो फिक्स्ड बैरियर होता है और 7 वाटर जंप होता है, टोटल 35 बैरियर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुज फादर वाज अघोरनाथ चट्टोपाध्याय प्रिंसिपल ऑफ निजाम कॉलेज। निजाम कॉलेज के जो प्राचार्य थे अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, किसके पिता थे? तो ये थे हमारी सरोजनी नायडू, उनके पिता थे। अघोरनाथ चट्टोपाध्याय सरोजनी नायडू के पिता, भारत की कोकिला कॉलेज के पहले प्राचार्य के रूप में। वर्तमान भवन पैगा नवाब मुल्क फखरुल बहादुर का ग्रीष्मकालीन महल था। बाद में उन्होंने कॉलेज प्रशासन को महल उपहार में दे दिया था। चलिए डिटेल्स पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन है, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों यह लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो इसको क्लियर कर लीजिए। केप अगुलहस, उसका नाम है केप अगुलहस, यहाँ पे है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। केप अगुलहस केप, दैट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अफ्रीकन कंटिनेंट, लोकेटेड 109 miles यानी 176 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ केप टाउन। इसके ऊपर केप टाउन है, उससे 176 किलोमीटर दूर है। ऑफिशियली केप अगुलहस इज द प्लेस वेयर द इंडियन एंड अटलांटिक ओशन मीट। यही ऑफिशियल जगह है जहाँ पे इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशंस मिलते हैं, जिसको टू ओशंस भी बोला जाता है। लेकिन टू ओशन जो है वो केप टाउन में लोग उसी को मानते हैं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो थोड़ा सा वो आप समझिए पब्लिसिटी रीजन से या टूरिस्ट वगैरह के ख्याल से केप टाउन को बोला जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल दोनों ओशन मिलता है वो केप अगुलहस में मिलता है। मैं दिखाता हूँ, देखिए एक केप टाउन है जिसको जहाँ पे टू ओशियन है, लेकिन इनफैक्ट यहाँ पे अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन मिलता है। ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। इसी को आप आंसर यही कीजिएगा, केप टाउन यही कीजिएगा, सदर्न मोस्ट यही है, इससे 176 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये वहाँ पे बना हुआ है तो मैंने इसका पिक्चर लगा दिया आप लोगों के लिए। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो अब इंडिया का भी ले लेते हैं। इंडिया में जो लैंड है मेन लैंड, उस पर तो है आपको यहाँ पे दिखेगा आपको केप कैमोरिन लैंड पे। और यदि इसका अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये केप कैमोरिन यहाँ पे दिखेगा आपको एकदम बिल्कुल लैंड पे। लेकिन यदि पानी का भी देख लिया जाए दोनों तरफ से ना, तब वो होता है इंदिरा पॉइंट, उसको बोलते हैं लैंड का है केप कैमोरिन। और यदि पानी का भी इकट्ठे कर लिए तो देखिए लैंड हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है और ये जो पॉइंट है ना ये इंदिरा पॉइंट है, एक ग्रेट निकोबार में है। तो ये
पूरे इंडिया का लिया जाए तो इसको बताना है, यदि मेन लैंडलाइन का बोलिएगा, लैंडलाइन लैंड का मेन लैंड का, तो केप का मॉडल होगा। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको यहाँ थोड़ा सा बड़ा सा इमेज ले लिया। अब देखिए यहाँ पे होता है और ये हमारा इंडिया है। इस इमेज पे नहीं जाइए, इस इमेज पे आइए, राइट साइड वाली इमेज पे, तो यहाँ केप कोमोरिन मिलेगा, उसके नीचे यहाँ पे इंदिरा पॉइंट मिलता है। यदि पूरे इंडिया का देखा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट है, यदि सिर्फ मेन लैंड का देखिएगा तो यहाँ पे केप कोमोरिन है, तो उसको लिखिएगा। दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे। और एक इंदिरा कॉल भी है जो यहाँ पे है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट पे, इसको भी याद रखिए, इंडिया कॉल, इंदिरा कॉल। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो, इस वीडियो में बस इतना ही, आज का वीडियो नहीं बोलूँगा, आज दो वीडियो है, तो आज के वीडियो, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।